हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद मिर्ज़ा, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से अपने स्टूडेंट्स जो है अच्छे तरीके से अपने बैचेस, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अलूरिंग शिक्षा दौर ने अपने तमाम बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, एमयू 12th क्लास के लिए भी, जामिया बीएड के लिए, एमयू बीएड के लिए, एमयू 4th ईयर बीएड के लिए भी, बीए का भी, और बीए फॉरेन लैंग्वेज का भी, बीएलएलबी का भी, तमाम बैचेस हमारे हमने अपने लॉन्च कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि हमारे बैचेस किस नाम से चल रहे हैं, कलाम, कलाम के नाम से इस साल हमने ये नाम देकर के हमने अपने बैच को लॉन्च किया है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, कलामी क्यों नाम, क्योंकि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो अब्दुल कलाम आजाद थे, और यहाँ फोटो दिख रही है एपीजे अब्दुल कलाम की, है ना। ये भी बात हो सकती है, ये सवाल भी जहन में आ सकता है कि कलाम नाम दोनों जन का था। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन हमारे जो बैच लॉन्च हुई है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से लॉन्च हुई है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है, और मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इनका जाहिर सी बात है, एक इनको मतलब इन्हीं के नाम से क्यों हमने लॉन्च किया, इन्हीं का नाम क्यों हमने दिया, तो हम आपको बता दें कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा जद्दोजहद की, कितनी ज्यादा स्ट्रगल्स की, है ना, कितनी ज्यादा मेहनत की, कितनी काबिशें कोशिशें की, उसके बाद जाकर के ये आगे चल के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और हिंदुस्तान के मतलब एक पेपर पेपर मतलब पेपर बेचना, इन्होंने न्यूज पेपर बेच करके, इतनी मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके, ये धीरे धीरे छोटी मोटी कौड़ियां जोड़ करके ये कहां पहुंचे, मिसाइल मैन बने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच गए, यानी कि जो हमारे देश का सबसे बड़ी गद्दी होती है, सबसे बड़ी कुर्सी होती है, वहां तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस नाम से अपने बैच को लॉन्च किया, ठीक है। और हम आपको बता दें कि हमने तमाम इसमें कोर्सेज रखे हैं, और जाहिर सी बात है आप यह सोचेंगे हमारे कोर्सेज मिलेंगे कहां पर, तो हमारे कोर्सेज आपको तमाम कोर्सेज हमारा क्या बोलते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी है, ठीक है, प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। किस नाम से मिलेगा, वो मिलेगा अलूरिंग शिक्षा दौर के नाम से। आप जरूर जा करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको तमाम कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो कोर्स वहां पर, कलाम बैच के नाम से भी वहां पर भी कोर्सेज हैं, जो बैच चाहें आप वो बैच वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना, आपको किसी तैयारी करवानी है, आप कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, आपका भाई है, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी है, उन सबको आप परचेज करा सकते हैं। आगे हम देखते हैं फीस क्या है, तमाम चीजें आएंगी आगे, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम आपके लिए लेकर के आज यहां पर आए हैं, ठीक है। अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताना, बहुत ही फेमस हैं, आप लोग सब इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ही वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी जद्दोजहद की अभी हमने बात की, ठीक है। और इनका बहुत ही फेमस कोटेशन है, क्या है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। क्या इनका कोटेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना, कि तालीम एक ऐसा हथियार है, इतना मोस्ट पावरफुल वेपन, यानी कि ये इतना ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा ताकतवर हथियार है कि इसका इस्तेमाल करके, तालीम का, कलम का, ठीक है, कलम का इस्तेमाल करके आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, आप अपना दुनिया में एक नाम कमा सकते हैं, आप दुनिया में एक नाम बना सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं ना। और देखें, आप ये भी देखिए, कुरान की जो आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, है ना, कि अल्लाह ताला भी ये, अल्लाह ताला ने सबसे पहली कुरान की आयत जो नाजिल की वो इकरा नहीं, पढ़ने के नाम से नाजिल की, कि पढ़ो। अल्लाह के नबी को क्या पैगाम दिया, कि पढ़ो, कि पढ़ाई की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, ठीक है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। और आप ये भी देखें, क्योंकि यहां पर खैर इस्लाम की बात नहीं करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि एजुकेशन की अहमियत क्या है, तो इस्लाम में भी एजुकेशन की अहमियत है, और इनका कोटेशन क्या है, अब्दुल कलाम आजाद का, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, कि आप इस हथियार का इस्तेमाल करके, इस वेपन का इस्तेमाल करके आप अपनी एक शख्सियत बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना एक नाम बना सकते हैं। आपने देखा कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला शख्स जो है, किस तरह से धीरे धीरे एक छोटे से गांव से, मोहल्ले से उठा हुआ इंसान, जिसने न्यूज़पेपर बेचने का काम किया, और आगे चल करके क्या, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए पूरे देश, इनको पूरा देश नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इन्हें क्या जानती है, मिसाइल मैन के नाम से जानती है। और क्यों जानती है, क्योंकि इन्होंने कलम को अपनी ताकत बनाई, क्या बनाई, कलम को अपनी ताकत बनाई, वेपन को, कलम को अपना वेपन बनाया, और उसका इस्तेमाल करके क्या किया, एक वर्ल्ड अपना, एक दुनिया अपनी बनाई है, पूरी दुनिया को चेंज किया और अपनी एक अलग सी दुनिया बनाई, ठीक है, और एक नाम कमाया दुनिया में, क्या, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, और फिर ये हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत परंपरा रही है हमारे देश की, हमारे मुल्क की, और बहुत सारी जगह की परंपरा रही है, मोनार्की सिस्टम में भी ऐसा होता था कि राजा का बेटा जो है वही राजा बनता था, चाहे वो पागल हो, चाहे उसके पास दिमाग हो, चाहे नहीं हो, लेकिन राजा का बेटा जो है वही राजा बनता था। तो यहां पर वही एक कोटेशन डाला गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके अंदर राजा बनने की काबिलियत होगी, बादशाह वही बनेगा, तख्त पे वो बैठेगा जिसके अंदर तख्त पे बैठने की सलाहियत होगी, जिसके अंदर अपने रियाया को, अपने पब्लिक को हैंडल करने की सलाहियत होगी, टैलेंट होगा, वही तख्त पे बैठेगा। यानी कि हर इंसान, छोटा से छोटा इंसान, बड़ा से बड़ा इंसान, अगर चाहे तो कलम के जरिए से दुनिया के किसी भी हद तक पहुंच सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि दुनिया में जितना चाहे उतना नाम कमा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको तालीम की अहमियत समझनी होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, एजुकेशन से जुड़ना होगा, एजुकेशन से जुड़ करके एक आपको नाम कमाना होगा। आप ये नहीं देखें कि आप बहुत छोटे से गांव में हैं, आप देहात में रहते हैं, आप छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, आपके वालिद साहब की ज्यादा तनख्वाह नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड, किसके जरिए से, एजुकेशन के जरिए से, अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, अपना एक नाम कमा सकते हैं। इसकी हजारों मिसाल आपको, करो लाखों मिसाल आपको मिल जाएंगी इस दुनिया में। उनमें सबसे बड़ी मिसाल कौन है, अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से जो फेमस हुए थे, ठीक है। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके अंदर राजा बनने की सलाहियत होगी, जिसके अंदर राजा बनने का टैलेंट होगा, वो राजा बनेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम लगातार बैचेस अपने लॉन्च कर रहे हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। आधुनिक शिक्षा दौर आपके लिए तमाम बैचेस लेकर के आया है, तफसील से, माशाल्लाह हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, है ना, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड है ना, जामिया से क्वालिफाइड है, कोई जेएनयू से क्वालिफाइड है, तो बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स आधुनिक शिक्षा दौर में पढ़ा रहे हैं, और किस किस तरह से वो उनके अंदर जो भी सलाहियत है, पूरी सलाहियत को आपको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के जरिए से, हमारे इस बैचेस के जरिए से हमारी एक छोटी सी कोशिश रहे, और आपको उस कोशिश का, आप मेहनत करें और आपको उसका फायदा मिल सके, और आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सके, आप भी, आपके भाई बहन भी, जो भी चाहें, हमसे जुड़ करके यहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स और बहुत अच्छे, हम आपके लिए बैचेस लेकर के आपके सामने हाजिर हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, ठीक है। आगे क्या है, हम आपको बता दें, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, जब हमारे वीडियोस को आप देखेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, आप तैयारी करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप कोशिश करेंगे, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ऐसा नहीं है जो फिक्स जो वहां पे लिख दिया गया है आपको, आपसे उतनी फीस ली जाएगी। देखें, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये आप कोड यूज करेंगे, कौन सा कोड यूज करेंगे, आपको जब हमारे चैनल के, जब आप जाएंगे हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जब आप जाएंगे और वहां पे, मैं आपको बता दूं, जो भी वहां पर फीस होगा, उस फीस में से आपको 10% ऑफ कर दिया जाएगा। कोड हमारा इस्तेमाल कौन सा करेंगे, FAREED10, यानी कि FAREED10। जब आप इस कोर्स को, जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो कितना आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, समझ रहे हैं, इतना आपको ऑफ कर दिया जाएगा, और आप आसानी से बैच को लॉन्च कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फीसेस नहीं है। आगे चल के अभी हम फीस का स्ट्रक्चर भी सामने आपके आ जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें, आप हमसे जुड़े रहें तो आपको लगातार फायदे होते रहेंगे, हमसे जुड़ने के क्या क्या फायदे, हमसे आप जुड़े रहेंगे तो आप तालीम में आगे बढ़ेंगे, आपको इंडो इस्लामिक की चीजें भी देखने को मिलेंगी, आपको साइंस में तमाम जो चैप्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, आपको क्या बोलते, हिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगी, हिस्ट्री के मुताबिक भी चीजें मिलेंगी, मैथ्स भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, तमाम तरह की चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारे फायदे हमारे जुड़ने के, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहेंगे तो आप जो आप फीस सबमिट करेंगे उसमें से भी आपको, जब आप ये हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे FAREED10, क्योंकि मेरा नाम फरीद मिर्जा है, और मैं आपको बता दूं कि FAREED10 के नाम से जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% को ऑफ कर दिया जाएगा आपके फीस में से, ठीक है। तो इसलिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें, और मैं आपको बता दूं कि वीडियोस को आप लगातार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में इसको सर्कुलेट करें, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। जो नहीं आ सकते, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, कुछ बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी मतलब
हमारी बहनें हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं आ सकती हैं, हॉस्टल लेके नहीं रह सकती, उनको प्रॉब्लम्स है, वो अपने घर में रहकर पढ़ना चाहती हैं, तमाम तरह की मुसीबतें होती हैं, कोई परेशानियां होती हैं, तो उनके लिए भी बहुत फायदे की बात है, वो भी अपने घर पे बैठ करके वीडियोस के जरिए तमाम चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे बैचेस में, और वीडियोस के जरिए आपको अच्छी अच्छी और एक्सपीरियंस टीचर्स के जरिए आपको अच्छी सी क्लासेस दे दी जाएगी। उसके जरिए से आप एमयू और जामिया जैसे बड़े बड़े सेंटर यूनिवर्सिटीज में, जो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जिनका शुमार होता है, उसमें आप एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, और तमाम जो भी फायदा है हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी हमारे अंदर जो भी सलाहियतें हैं वो आपके सामने रखें, और आपको आपको ताकि उसका फायदा हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, 12th एमयू इंडो इस्लामिक सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप परचेज करेंगे बैच तो आपको भी ये चाहत होगी जानने की कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, ना तमाम चीजें। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज में पैसा खर्च करते हैं, जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, तो तमाम जब मार्केट में कुछ चीजें परचेज करते हैं, उसे बहुत ठोक पीट करके लेते हैं ना, उसको बहुत बजा करके लेते हैं कि ये मजबूत है कि नहीं है, चारों तरफ से देखते हैं कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है ना, तमाम चीजों को देखकर। और ये जरूरी भी है, तमाम चीजों को, ये नहीं मार्केट में आप पहुंचे, सामान को उठाया, पैसा पूछा, नो बार्गेनिंग, नो एनीथिंग एल्स, कितने का इतने का है, आपने पैसा दिया सामान ले लिया, नहीं, ये बिल्कुल बेवकूफी है और ये अहमकाना हरकत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी मार्केट में जाएं, चीजों को उठाएं, उसके बारे में जानें, उसके बारे में पूछें, उसके बाद पैसा दें, बार्गेनिंग भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि इंडो इस्लामिक में, जाहिर सी बात है आपको भी जानना होगा कौन पढ़ाएगा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडो इस्लामिक 11th क्लास में और बीए में, तो आपको बता दूं बीए में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम यहां पर 12th क्लास की बात कर रहे हैं, तो इंडो इस्लामिक 11th क्लास के लिए, आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए 10 नंबर आते हैं। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक नंबर दो नंबर से हमारा सिलेक्शन होना रुक जाता है। तो ये जो 10 नंबर है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स होंगे आपको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएंगे। तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लें। इंडो इस्लामिक के 10 नंबर होते हैं, मैंने कहा जिस तरह से कि कभी कभी एक नंबर से भी आप रुक जाते हैं, एक नंबर से भी आपके एडमिशन होने से रुक जाता है और आपको एमबीए में एडमिशन नहीं मिलता है, आप सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, चांस मेमो में आ जाता है, फिर कभी कभी नहीं होता है ना। खैर, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप अलीगढ़ शिक्षा दौर से जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ शिक्षा दौर की तमाम फैमिली से जुड़े हुई हैं, तो उसको आपको उसका आपको पूरा पूरा फायदा इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, तो आप भी जानेंगे किस तरह से पढ़ाया जाए, कौन पढ़ाएगा, तो मैं आपको बता दूं इंडो इस्लामिक 11th क्लास के जो 10 क्वेश्चन होंगे, उन इंडो इस्लामिक का जो ये चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसको पूरा इंशाल्लाह मैं फरीद मिर्जा आपको कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही अच्छी कोशिश हमारी, सबसे बड़ी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम चैप्टर्स को एकदम मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाएं, ताकि हर हर चैप्टर में तकरीबन आपके 10-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन क्लियर होते चले जाए इंशाल्लाह। जब हम पढ़ेंगे, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमारा बैच परचेज करेंगे, तब आप देखेंगे किस तरह से हम आपको क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक में जाहिर सी बात है इंडो इस्लामिक का क्वेश्चन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस, क्योंकि आज सिलेबस डिस्कशन होना है कि सिलेबस किस तरह से पढ़ा जाएगा, क्या क्या चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे, कैसे पढ़ाए जाएंगे ना, तो आइए देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में। सिलेबस है, ठीक है, कंटेंट देखते हैं कौन कौन से कंटेंट है हमारे सिलेबस में। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, कंटेंट यानी कि तकरीबन 12 कंटेंट है, 12 चैप्टर्स हैं, जो कि इंडो इस्लामिक में इन इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडो इस्लामिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में, एमयू सिलेक्शन में, जामिया सिलेक्शन में, एमयू सिलेक्शन में। आपको एमयू के जो मतलब जो 11th क्लास का जो सिलेक्शन, जो एमयू एंट्रेंस होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्या, इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अकायद है। दूसरे पे क्या है, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फोर्थ नंबर पे है कैलिफेट ऑफ इस्लाम, जिसे खलीफा कहा जाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या है, कुरान एंड हदीस। ठीक है, सिक्स नंबर पे क्या है, द फोर मेन इमाम, यानी कि जो फोर इमाम है सुन्नी के, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सेवन नंबर पे मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर के जो मंथ्स हैं, जो महीने हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और एट नंबर पे क्या है, फेमस मुगल रूलर्स के बारे में, हालांकि ये
ये चैप्टर जो है ये उसका पार्ट्स है, हिस्ट्री का पार्ट्स है, लेकिन हम भी इसमें देखेंगे कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मुगल रूलर्स के बारे में, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हिस्ट्री वाले सर हैं वो भी इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे और हम भी इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लाइन नंबर पे क्या है, फेमस सूफीज एंड उलेमा, जो सूफीज हैं जो उलेमा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस नंबर पे इंट्रोडक्शन ऑफ एमयू एंड सर सैयद अहमद खान, एमयू का इंट्रोडक्शन और सर सैयद अहमद खान, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के प्रॉफिट, फेमस बैटल्स ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ड्यूरेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो देखें कि किस किस तरह से हम आपके लिए 12 चैप्टर्स लेकर के आए हैं, यानी कि इंडो इस्लामिक जो क्लासेस होंगी इंडो इस्लामिक की जो क्लासेस होंगी उनको 12 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है और 12 जो चैप्टर्स हैं इस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। किस तरह से, किस तरह से और कौन, मैं बता दूं कि इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक जो एमयू एंट्रेंस का है फर्स्ट 11th क्लास के लिए, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि अकायद, अकायद से आप क्या समझते हैं, अकायद में जो 6-7 अकीदे आते हैं, है ना, किन किन चीजों पे अकायद हैं, अकीदा यानी अकीदा, जो अकायद जो है वो अकीदे की जमा है, ठीक है, समझ रहे हैं कि अकीदा, अकीदा से बना है अकायद, ठीक है। तो अकायद के बारे में भी हम देखेंगे, है ना, अकायद क्या क्या है ना, फेथ ऑफ गॉड है, फेथ ऑफ मैसेंजर्स हैं, है ना, फेथ ऑफ गॉड, फेथ ऑफ मैसेंजर, फेथ ऑफ डिवाइन बुक, जो अल्लाह के नबी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुक उतरी, उनके पहले की अंबिया पर, उनके पहले की प्रॉफिट्स पर जो बुक उतरी, है ना, उनके बारे में हम देखेंगे। फेथ ऑफ गॉड के बारे में देखेंगे, अल्लाह पे ईमान रखना है कैसे रखना है, किन किन तरीके से रखना है, कब हम इस्लाम से खारिज, मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन देखेंगे। मैसेंजर ऑफ गॉड देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैसेंजर पर ईमान है ना, फेथ ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी जो जो भी अंबिया अलैहिस्सलाम, जो भी अल्लाह के नबी, जो भी नबी हैं, उन तमाम के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से नबी हैं उनके बारे में, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, है ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उनकी फैमिली के बारे में, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस तरह से देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो बुक्स हैं डिवाइन बुक, अल्लाह जो अल्लाह ताला ने चार किताबें, मशहूर किताबें चार उतारी है ना अल्लाह ताला ने, कौन कौन सी किताबें, जैसे कि जबूर है, तौरेत है, इंजील है, और लास्ट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ को नाजिल किया गया। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई है ना, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या 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 क्वेश्चन उस किताब में बन सकते हैं ना, फेथ ऑफ मैसेंजर, फेथ ऑफ गॉड हो गया है ना, और फेथ ऑफ गॉड हो गया, फेथ ऑफ डिवाइन बुक हो गया, और उसके बाद किस पे, मौत, साहिब सी बात है, मौत भी बहुत हकीकी चीज है, ये भी इस्लाम का मतलब, ये भी ईमान का बहुत ही अहम पहलू है ना। और कयामत के बारे में भी देखेंगे कि कयामत वो भी इस्लाम का बहुत ही अहम पहलू है, मौत के बारे में देखेंगे, मौत के बाद जो उठाया जाना है ना, लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जो एक फिर से उसको फिर से क्रिएशन, रिक्रिएशन हमारा होगा ना कयामत के दिन, जो हम सबको उठाया जाएगा, उस पर ईमान है, उस पर अकीदा है, उसके बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं ना, कि रामन कातिबीन के बारे में देखेंगे, है ना, जो हमारे राइट और लेफ्ट साइड पे जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने जो मुतय्यन कर रखे हैं ना, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे, है, और उनके नकीर वगैरह के बारे में, ये तमाम क्वेश्चन इसमें अकायद में पूछे जाते हैं। और अकायद में तो जो भी अकायद में जो भी क्वेश्चन बन सकेंगे उसको हम पढ़ने की और देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन अकायद में बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे आपको पूरे तरीके से, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, ठीक है। सेकंड नंबर पे सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उनकी पूरी जिंदगी जो है, है ना, उनकी पैदाइश, उनकी हयात, पूरी पूरी हयात, पूरी लाइफ यानी कि, ठीक है, उनका चाइल्डहुड, है ना, उसके बाद फिर उनको बेसत कब हुई, है ना, उनको नबुव्वत कब मिली, कुरान कब से नाजिल शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, मतलब पूरी जिंदगी सीरत माने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उनके दोस्त कौन थे, उनकी निकाह किन किन लोगों से हुए, उनकी बेटी कौन थी, उनके दामाद कौन थे, है ना, ये तमाम जो सीरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी वफात कब हुई, उनको कुरान का नुज़ूल कब से शुरू हुआ, कौन सी आयत पर नाजिल हुई, है ना, तमाम तरह के डिस्कशन हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनमें सब में से आपके तकरीबन 50-50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके क्लियर होते जाएंगे तमाम चैप्टर्स में से। देख रहे हैं कि किस किस तरह से हम चीजों को डिस्कस करेंगे, किस किस तरह से हम आपको, आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आएंगे तमाम कंटेंट पे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दिया वो भी सीरत का ही पार्ट है, फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के वालिद, उनकी वालिदा, उनके चचा, है ना, उनके दादा का क्या नाम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि फैमिली, फिर उसके बाद उनकी शादी किन लोगों से हुई, उनकी बेटी कौन थी, है ना, कौन लोग हैं जो अहले बैत में आते हैं, है ना, तमाम जो फैमिली के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर कैलिफेट ऑफ इस्लाम, क्या है कैलिफेट ऑफ इस्लाम, अच्छा इसमें कैलिफेट, फोर्थ नंबर पर क्या है कैलिफेट ऑफ इस्लाम के बारे में हम देखेंगे, है ना, कि कैलिफेट ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम के जो खलीफा हैं, खलीफा राशिदीन, यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जो दौर शुरू हुआ, यानी कि 632 हिजरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफात हो गई, कब हो गई, 632 हिजरी में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, तो उसके बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ ना। जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ, उसमें पहले खलीफा कौन थे, दूसरे खलीफा कौन थे, तीसरे खलीफा कौन थे, चौथे कौन थे, है ना, क्योंकि फोर कैलिफेट ऑफ इस्लाम है। और फिर इसमें क्या है कि किसकी हुकूमत कब तक रही, किन किन जगहों पे उनकी हुकूमत रही, है ना, कौन कौन थे, किन किन लोगों से उनकी लड़ाई हुई, कब कब उनसे जंगे, मतलब तमाम तरह की चीजें जो भी कैलिफेट ऑफ इस्लाम थे उनकी जो भी उनकी सीरत है ना, जो भी उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि हजरत अबू बकर है, हजरत उमर फारूक है, उस्मान गनी, हजरत अली, तो इन तमाम लोगों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कैलिफेट ऑफ इस्लाम यानी कि खुलफाए राशिदीन के बारे में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लगातार इनमें से भी क्वेश्चन कई बार एमयू में आते रहते हैं इंडो इस्लामिक में, ठीक है। कुरान और हदीस के बारे में देखेंगे, कुरान के बारे में देखेंगे, रेवलेशन कब शुरू हुआ कुरान का, कितनी आयतें हैं, कितनी सूरतें हैं, कौन आयतें छोटी हैं, कौन सी आयत बड़ी है, कौन सी सूरत छोटी है, कौन सी सूरत सबसे बड़ी है, है ना, कुरान का पहला पारा कौन है, उसकी पहली तरतीब से पहली सूरत कौन है, तरतीब में आखिरी सूरत कौन है, नुजूल में पहली सूरत कौन है, नुजूल में आखिरी सूरत कौन है, ना तमाम तरह की चीजें हम देखेंगे कुरान के बारे में। इस तरह से हदीस के बारे में, हदीस किसे कहा जाता है, कौन कौन सी हदीस की किताबें जो इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, सियासत्ता किन्हें कहा जाता है, उन्हें सियासत्ता क्यों कहा जाता है, कौन कौन सी किताबें आती हैं, उनके राइटर्स कौन है, उन्हें कब लिखा गया, है ना, जो भी है, बुखारी है, मुस्लिम है, तिर्मिजी है, है ना, इब्ने माजा है, जो भी हदीस की किताब है उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनके जो उनके लिखने वाले उनके राइटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जिंदगी के हालात के बारे में डिस्कशन करेंगे, कि और ये देखेंगे साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एमयू में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और ये हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे कौन सा, ये देखेंगे कौन सा देखेंगे, हम देखेंगे कि द फोर मेन इमाम सुन्नी, ये सुन्नी सुन्नी के जो इमाम है, है ना, दो तबके हैं मुसलमानों में, शिया और सुन्नी, तो हम ये देखेंगे सुन्नी के जो इमाम है, जो फेर जो जो फोर जो चार जो इंपॉर्ट जो बहुत ही अहम इमाम है, चार इमाम है, कौन से, इमाम हनीफा है, ना जैसे जैसे इमाम मालिक है, इमाम शाफी, इमाम इब्ने हम्बल है, तो चार जो मेन इमाम है उनके बारे में देखेंगे कि वो उन्होंने क्या क्या कौन सी किताबें लिखी, है ना, उनके बारे में देखेंगे, उनके हालात जिंदगी के बारे में देखेंगे, कब लिखी, कौन सी किताब लिखी, और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, क्योंकि क्वेश्चन बनते रहे, इमामों के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर के जो मंथ्स हैं, जैसे कि मुहर्रम से शुरू होता है इस्लाम का फर्स्ट महीना, है ना, समझ रहे हैं, और जिस पे जाकर के खत्म हो जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे, ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, है ना। इस तरह से फोर मुगल रूलर्स, अरे फेमस मुगल रूलर्स जो हैं, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का पार्ट है ना, इसके साथ भी, लेकिन ये है कि हम जो हिस्ट्री में आप उसको बहुत ही तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह यहां पर भी उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फेमस रूलर्स हैं और क्या क्या उनके खिदमात रही हैं हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने कहां पर अपने पायतख्त जमाया, कितने साल हुकूमतें की, उनका बेटा कौन था, कैसे कैसे जंगे लड़ी गई, किन किन लोगों से जंगे लड़ी गई, और ये भी देखा जाएगा साथ में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, कभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ, कभी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लेते हैं, कभी अकबर के बारे में, कभी हुमायूं के बारे में, है ना, कभी बाबर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेब डायनेस्टी के कौन थे, फाउंडर थे, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, है ना। और फेमस सूफीज एंड ओलेमा, फेमस सूफीज एंड ओलेमा, जाहिर सी बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो क्वेश्चन तो सूफीज के बारे में हर सवाल में अक्सर हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो हम फेमस जो सूफीज हैं इंडिया के, हमारे जो हमारे मुल्क के जो फेमस सूफीज हैं, जैसे कि कौन कौन, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आ जाएंगे, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, निजामुद्दीन औलिया आ जाएंगे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आ जाएंगे, है ना, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आ जाएंगे, है ना, इस तरह से और भी तमाम सूफीज में आएंगे, तो उनके बारे में भी हम देखे जाएंगे। और उलेमा
कौन? और उलेमा के बारे में देखेंगे, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं, अल्लामा शिबली नुमानी, सैयद सुलेमान नदवी रहे हैं, है ना, इस तरह से कौन, मोहम्मद अली जौहर, जो कि उलमाओं में भी वो आते हैं ना, मोहम्मद अली जौहर भी हैं, उनके भाई भी थे ना, शौकत अली पॉलिटिशियन भी थे, एक्टिविज्म थे, एक्टिविस्ट भी थे। तो जो तमाम तरह के क्वेश्चन हैं, उलमा हैं और सूफी हैं, उनकी किताबें हैं, उनका ऑर्डर क्या है, वो किस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, है ना, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कौन सी किताबें उन्होंने लिखी, उनकी तसानीफ क्या क्या है उलमा के बारे में, उनके मकबरा क्या है, उलमा कब पैदा हुए, कौन सी किताब, कौन से मसलक से या कौन से सिलसिले से वो वाबस्ता थे, देवबंदी थे, नदवी थे, बरेलवी थे, कि क्या थे, मतलब तमाम क्वेश्चन क्योंकि आते रहते हैं ना। तो इसमें से बहुत सारे, कुछ उलमाओं ने रेशमी रुमाल तहरीक, मतलब कुछ लोगों ने इसमें से बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें भी शुरू की थी, उनके बारे में देखें कौन से उलमा ने कौन सी तहरीक शुरू की थी, है ना, कहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बनते रहते हैं, आते रहते हैं। तो उसको भी हम बहुत तफसील से डिस्कशन करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हम बना सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एमयू में जो है वो पूछे जाते रहे, ठीक है। इस तरह से और क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एमयू एंड सर सैयद अहमद खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तमाम इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी हो सकता है कि किसी एक, हो सकता है इमाम के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन ये सब ऐसे पार्ट्स हैं, फेमस सूफी उलमा, मुगल रूलर्स, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये हैं कि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने, 100% क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एमयू एंड सर सैयद अहमद खान, इंट्रोडक्शन एमयू का, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एमयू कब बना, कैसे बना, कौन लोग इसके थे जिन्होंने मतलब इसकी बुनियाद डाली, कैसे कैसे मामला, कैसे कैसे एमयू बना, पहले किस शेप में था, उसके बाद किस शेप में हुआ, उसके बाद किस शेप में हुआ और अब किस शेप में ना मौजूद है, कब बना, कब ये कॉलेज बना, कब मदरसा बना, फिर कब इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, तमाम तरह की चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो इसके फाउंडिंग फादर है, कौन है, सर सैयद अहमद खान ने एमयू को बनवाया था, जाहिर सी बात है, ये बहुत ही मशहूर चीज है कि एमयू के बानी कौन है, एमयू के फाउंडिंग फादर कौन है, तो सर सैयद अहमद खान जो है इसके फाउंडिंग फादर है। उनके बारे में देखेंगे कि उनके मतलब उनकी फैमिली क्या थी, उनके वालिद साहब कौन थे, उनके बेटे कौन थे, बेटी, उनके फादर, उनकी मदर, फिर उन्होंने तालीम कहाँ से शुरू की, कहाँ तक तालीम उन्होंने हासिल की, है ना, कहाँ के वो जज बने, कौन थे, कौन कौन से कॉलेजेस बनाए, तो तमाम तरह की चीजें हम सर सैयद अहमद खान के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी तसानीफ है इनकी, क्योंकि इनकी किताबें भी इन्होंने बहुत लिखी, तफसीर भी लिखी, जैसे हमने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे तफसीर कुरान के नाम से इन्होंने कुरान की तफसील लिखी थी, कौन कौन सी किताब, आसारुस्सनादीद, खुदबात अहमदिया वगैरह इन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से हम इनकी तमाम तसानीफ को भी देखेंगे ना, और वो तसानीफ किस बारे में है, किस सन में लिखी गई है ना, किसके नाम से लिखी गई, अगर ये भी है तो ये भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहे, है ना, प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के प्रॉफिट्स कौन है, जैसे अल्लाह के नबी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सीरत से क्वेश्चन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछे जाते हैं, लेकिन और जो दीगर प्रॉफिट्स हैं इस्लाम के, उनके बारे में भी क्वेश्चन बारह पूछे जाते हैं एमयू के इंडो इस्लामिक के 12th क्लास के पेपर, इंट्रेंस पेपर, 11th क्लास के इंट्रेंस पेपर में पूछे जाते रहे, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कभी हारून इस्लाम के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी ज़करिया इस्लाम के बारे में क्वेश्चन देख लिया जाता है कि उनकी क्या सिफत है, उनके बारे में क्या मशहूर है, किस नाम से मशहूर थे, कहाँ पैदा हुए, है ना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछ लिया जाता है कि उनकी कश्ती कहाँ जाकर टिकी थी, है ना, तो और कौन, कितने साल उन्होंने अपने अपने रियाओं में तबलीग, दावत तबलीग का काम किया था, कब तक उन्हें समझाया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो जो फेमस प्रॉफिट्स हैं इस्लाम के उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ठीक है। बाकी एंजल्स के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो फोर एंजल्स हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल, इज़राइल, इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अकायद में उनका आएगा, ठीक है। तो अकायद में उनके पास जब मैसेंजर ऑफ एंजल्स, जब फेथ इन एंजल्स वाला जो पार्ट है, उसमें एंजल्स के बारे में ही उस चैप्टर में देख लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट्स के बारे में भी हम देखेंगे, और लास्ट हमारा चैप्टर कौन सा, फेमस बैटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम ड्यूरेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जमाने में, उनके जब वो बाहयात थे, उनके जमाने में जो बैटल्स लड़ी गई, जाहिर सी बात उन्हें गजवा के नाम से जाना जाता है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो जिस बैटल में, उसको गजवा कहा जाता है। तो उन बैटल्स के बारे में देखेंगे, जो बहुत सारे, कभी ओहद के बारे में पूछा गया है, कभी जंग खंदक के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी जंग बद्र के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी जंग हुनैन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि किन किन जंग में कितने कितने लोग मुसलमानों की तरफ से थे, कितने लोग कुफार की तरफ से थे, कब ये जंग लड़ी गई, है ना, अक्सर जो है ये जंग कब लड़ी गई, कहां लड़ी गई और किन किन लोगों के दरमियान लड़ी गई, उसमें आलम किसके हाथ में था, तो ये सब चीजें भी बैटल्स के बारे में पूछी जाती रही है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से सिलेबस डिस्कस, हमने डिस्कशन में ये देखा कि हम किस किस तरह से आपके सामने वीडियोस और लेक्चर्स अपने लेकर के आएंगे, किस तरह से आपको इंडो इस्लामिक की जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन किस तरह से हम कवर कराएंगे, और आपको किस तरह से ये बताएंगे कि हम किस तरह से चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश
करेंगे, ठीक है। तो देखा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग सेटिस्फाइड होंगे इस चीज से। आइए आगे देखते हैं कि और क्या है। एल्यूरिंग शिक्षा दौर, एमयू बीएड सिलेक्शन, ठीक है। ये आप देख लें कि एल्यूरिंग शिक्षा दौर का जो, ये तो यहां पर कम तस्वीरें हैं, और लोग भी हमारे एल्यूरिंग शिक्षा दौर में उन्होंने सब्सक्रिप्शन लेकर के, एल्यूरिंग शिक्षा दौर के चैनल को सब्सक्राइब करके, यहीं से तालीम हासिल करके, हमारे नोट्स पढ़ के, हमारे बैचेस को परचेज करके, इनसे भी ज्यादा लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। यहां तो बहुत कम लोगों को हमने शो कराया है, इनसे भी ज्यादा लोग जो है वो, उनका भी सिलेक्शन एमयू में हुआ है, ठीक है। एमयू में, जामिया में, और भी दीगर दीगर यूनिवर्सिटी में लोगों का सिलेक्शन होता रहा है, क्योंकि हम बहुत ही अपना 100% देने की अपने स्टूडेंट को कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात किस कर रहे हैं, तो 11th क्लास के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं एमयू के, ठीक है। देख लें आप यहां पर फीस, आपको इसे मैंने बता दिया, आपको फीस के बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। फीस के बारे में क्या बताएं, क्या क्या फीस है साइंस की, क्या फीस है, 7,499 रुपीज, यानी कि 6,400, तकरीबन 6,500 रुपीज, ठीक है। आर्ट्स की क्या फीस है, आर्ट्स की फीस है 11th एंट्रेंस एमयू की, आर्ट की फीस क्या है 5,499, तकरीबन 5,500 रुपए इसकी फीस है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जिससे पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूं कि आप जब हमारे जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एल्यूरिंग शिक्षा दौर को, कहां से, गूगल प्ले स्टोर से, जब उस पर जाएंगे तो आप हमारा कूपन यूज जब करेंगे, क्या कूपन कोड, क्या हमारा कोड नंबर, कोड क्या है हमारा, कोड हमारा है कि फरीद 10, यानी कि फरीद 10। जब इस कोड को आप अप्लाई करेंगे वहां पर, जो वहां पर ऑप्शन होगा कोड अप्लाई करने का, वो जब आप परचेस करेंगे तो आपको ऑप्शन वहां पर शो होगा, तो जब आप कोड अप्लाई करेंगे वहां पर, तब आपको 10% का ऑफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जरूर आप जाएं और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए एमयू और जामिया ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें, और जो आपको पैसा अगर ज्यादा लग रहा है तो आप अप्लाई, जाहिर सी बात है हर इंसान इसका फायदा लेना चाहेगा, और हम भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को फायदा देते हैं, ताकि वो अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा, क्योंकि हम आपको तालीम का फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ में आपको हम फाइनेंशियल फायदा देने की भी कोशिश करते हैं, किस तरह से आपको हम कुछ लेस कर देते हैं हमारे कोड नंबर से। तो आप जब जाएं परचेज करने के लिए तो याद रखें फरीद 10 फरीद 10 का कोड जरूर अप्लाई करें, ताकि आपको 10% का ऑफ मिल सके, ठीक है। हमने अपना बैच लॉन्च कर दिया, आइए देखते हैं आगे और क्या है। ये वही है, जब आप हमारा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कि वो 10% का ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको 500 रुपये आपका 500 आपका ऑफ कर दिया जाएगा, आपका जो कोर्स, यानी कि जो 6,000 है वो 6,500 है वो 6,000 रहेगा, और 5,500 वाला 5,000 में आपको, सिर्फ 5,000 में आपको वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाएं, उसका फायदा जरूर उठाएं, ये नहीं कि नहीं फायदा उठाएं, नहीं जरूर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये आप ही के लिए है, और आप अप्लाई जरूर करें फरीद 10 के नाम से, कोड अप्लाई करें और ये फायदा आप जरूर लें, आप अपने फीस में से लेस करवाएं, कोड अप्लाई करें। कौन सा कोड अप्लाई करना है, अप्लाई कूपन कोड फरीद 10, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। वही एमयू कलाम बैच के बारे में, जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया कि कलाम बैच जो हम लेकर के आए हैं, और कलाम बैच में हम किस किस तरह की चीजें लेकर, किस वीडियोस, कैसे आपको नोट्स, किस तरह की आपको चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और जैसे कि बहुत मशहूर कोटेशन है हमारा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा बनने का काबिल होगा अब राजा वही बनेगा, और कैसे राजा बनेगा, कलम के जरिए बनेगा, ठीक है। कलम के जरिए राजा बनेगा, ठीक है, कलम के जरिए। कलम कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, है ना, खेलेगा कूदेगा होगा खराब, ठीक है। तो इस तरह से कलम को अपना वेपन बनाइए, कलम को, एजुकेशन को अपना वेपन बनाइए, और उस वेपन का इस्तेमाल करके आप राजा की गद्दी पर बिल्कुल आसानी तरीके से बैठ सकते हैं। पर स्टार्ट हमारा बैच कब से स्टार्ट, जो कलाम बैच स्टार्ट हो रहा है कब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट बैच 1 जनवरी, ठीक है। लाइव क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी, प्रैक्टिस क्लास सैटरडे वगैरह भी चलेगी, ठीक है। और स्टार्ट फ्रॉम ये वाला जो रहेगा, अच्छा ये बीएड का है, ये भी बीएड का, ये भी बीएड का है, ठीक है। हाँ, इसमें जो है कि बीएड वगैरह की लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी, ठीक है। और आप हमारा जो बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, और आप उसको जरूर परचेज करें, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। बीएड की देखिए कितनी कम फीस है आपको, सिर्फ 7,000 में, 7,000 में आपके लिए तमाम चीजें एल्यूरिंग शिक्षा दौर लेकर के आया है, ठीक है। और ये जामिया का है, ठीक है, क्योंकि जामिया बीएड की भी हम तैयारी करवाते हैं। जामिया के बीएड में भी बहुत से हमारे चैनल से स्टूडेंट पढ़ करके उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जामिया बीएड के लिए भी हम लेकर के आए हैं, और वहां की क्लासेस भी यहां पर होती है। उसकी बैच भी कब से स्टार्ट हो रही है, बीएड के लिए, जामिया बीएड के लिए कब से बैच स्टार्ट हो रही है, जामिया बीएड की जो बैच स्टार्ट हो रही है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके भी लाइव क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, और प्रैक्टिस क्लास भी होगी सैटरडे में, ठीक है। और यहां पर देखिए जामिया
डीएलएड है ना, डीएलएड का जो कोर्स है जामिया में, उसके लिए भी हम उसकी भी बैच लॉन्च हो चुकी है और कब से स्टार्ट हो रही है, 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और उसमें भी लाइव क्लास कब से कब तक होगी, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस चलेंगी और प्रैक्टिस क्लास भी सैटरडे को होंगी। उसमें आपको तमाम जो हमें 1 वीक जो पढ़ाए रहेंगे उसको आपको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका सही ऑप्शन क्या है ना, तमाम तरह की चीजें वो आपको सैटरडे में क्लियर कराए जाएंगे जो आपको पूरा 1 वीक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, यही है एलिंग शिक्षा दौर एमयू बी एड सिलेक्शन, जो हमारे यहाँ पर सिलेक्ट, हमारे यहाँ जो सिलेक्ट स्टूडेंट हुए हैं वो ये स्टूडेंट हुए हैं। और बैच के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि बैच आप जरूर परचेज करें, क्योंकि तालीम को आप अपना वेपन बनाएं, है ना, अपना हथियार बनाएं, अपना वेपन बनाएं, उसके जरिए से आप एक मकाम हासिल करें, एक अलग दुनिया, पूरी दुनिया को चेंज करके आप अपनी एक अलग ही दुनिया बनाएं, ठीक है। तो वो कैसे, कलम के जरिए बना सकेंगे, तो उसके लिए आप जरूर हमारे चैनल से जुड़े, हमारे बैचेस जो चल रहे हैं उनको परचेज करें। उसको परचेज करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे, हमारा जो एप्लीकेशन है अलीरिंग शिक्षा दौर के नाम से, आप जाएं गूगल प्ले स्टोर पे और जरूर उसको वहां से डाउनलोड करके वहां पर जो भी आपको बैच चाहिए वो बैच आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोग जरूर जिस तरह से आप हमसे जुड़े हैं और भी आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको जरूरत है चीजों की, उन तक वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सके आपके जरिए से, है ना, और आपको फायदा भी मिल रहा है हमसे कनेक्ट होने से। देखिए आप किस तरह से आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हमसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आप जब फरीद 10 के नाम से जो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें से क्या 500 क्या ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमसे जरूर जुड़े रहें और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छे तरीके समझ में आए, किस तरह से हम सिलेबस पढ़ाएंगे आपको, वो भी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को जरूर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप भी सदके जारिया के सवाब को लेने वाला बन सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।